समस्तंकु बहुत धन्यवाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रे आम निमंत्रण रे आपण माने जोग दिथिबारु मु आजि किछि विषय आपणक माध्यम रे ओडिसा रो नागरिक मानक सामना रे रखिबा पई चाहुचि विगत पखापाखी कोरोना उपरांते कोविड 19 इंपैक्ट आसीबा परे विशेष करके इकोनॉमी बड़ा चैलेंजिंग फेज रे गति करला लॉकडाउन शटडाउन जातीय स्तर रे परवर्ती अवस्था रे राज्यर विभिन्न अंचल रे विभिन्न जिल्ला रे और अन्य राज्य रे जो प्रकार क्रियान्वयन हला ता जगु स्वास्थ्यगत कारण रु तथा लॉकडाउन कारण रु जो गोटे डिसरप्शन हला स्वाभाविक अर्थनीति ऊपर तार इंपैक्ट आसला किंतु या भितरे भारत सरकार जीवन आ जीविका उभयंकु गुरुत्व देख निजर गुरु दायित्व निजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील नेतृत्व भावे गरीब कल्याण योजना हो आत्मनिर्भर भारत अभियान हो किंबा जातीय स्तररु पांठि राज्यगुडीकु दवा कथा हो नुआ परंपरा नुआ उदाहरण सब तयारी करिसंती माजी आपनक आगरे ओडिसा संपर्क रे ओडिसा रे यारो लाभ कौन मिलला ओडिसा पाई केंद्र सरकार दायित्व कौन नेले तार गोटे हिसाब आपनक आगरे मु रखिबा पई चाहुछ तार रिटिन डॉक्यूमेंट भी मो पाखरे जहां मु बनै पारिछि ताकू दे देबी आपन पाखरे उल्लेख करिया पई मु दुई तीन टी हाइलाइट्स केवल आपनक आगरे कहुछि मोट ए कोविड पीरियड रे भारत सरकार ओडिसा रो अर्थनीति को चलचंचल करिबा पई लोक मानकर आवश्यकता को पूरा करिबा पई 22,267.66 crore तर सेक्टर वाइज भी बाइफर्केशन अच्छी मो पाखरे ओडिशा पाई पैकेज रो दायित्व नहीं चंती अने 22,267 crore टंकार पैकेज को आजे परिवो तार भितरे आर्थिक अनुदान आर्थिक भाग सह किछि मटेरियल भी अछि जिमती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे अप्रैल रु नवंबर पर्यंत 5 kg चाउल पाखापाखी 3,17,00,000 लोकंकु लोकसंख्यार जनसंख्यार पाखापाखी 70% लोकमानक पई ये कार्यक्रम लाभ देछि 751,930 tons चाउल जार मूल्य 2,255 crore टंका हबो राज्य को दायित्व निया जाय छे से भलिया डाली रे पाखा पाखी 529 crore टंका 44,130 tons डाली जनधन अकाउंट रे 1,258 crore टंका 85,00,000 हिताधिकारी मानक भूणी मानक पई
वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग विधवा ए भत्तारे 1000 टंका व्यवस्था रे पाखापाखि 2,27,000 लाभार्थी मानकु 202 कोटी टंकार लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार जो लिस्ट देचंती एबे जो रिपोर्ट आसिला प्रथम थर लिस्ट रु एबर लिस्ट भितर बहुत लिस्ट कमी जाइछ प्रथम थर मोर जहाँ अनुमान 40 लक्ष रु अधिका हिताधिकारी थिले एबे सेटा कमी कि 20 लक्ष हिताधिकारी राज्य सरकार देचंती 20.3 लक्ष सेइतरे भी 2000 टंका हिसाब कले 400.63 कोटी टंका किसान निधि रे दायित्व दिया जाइछि। ए समय रे ठिका श्रमिक मानक पाखापाखि 20 लक्ष ठिका श्रमिक मानक निर्माण श्रमिक मानक 1500 टंका लेखा 312 कोटी टंका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे ओडिशा रे देशरे मोट 14 कोटी सिलिंडर दिया जायछि ओडिशा रे ता भितरु पाखापाखि 68,79,000 सिलिंडर मागणार दिया जायछि तार मूल्य 440 कोटी टंका एलपीजी सिलिंडर केवल दिया जायछि। ईपीएफ अकाउंट रो विभिन्न हिताधिकारी मानकु गोटे 69 कोटी टंका गोटे 87 कोटी टंका गोटे 101 कोटी टंका तार संपूर्ण तालिका मु आपन हाथ रे देबी। जीएसटी बाबद रे 19-20 वर्ष रे जति की देय थिला 5,112 कोटी टंका पूरा दिया जायछि। 2021 चलित वित्त वर्ष रे 2,258 कोटी टंका र दायित्व निया जायछि। एबे जो कोरोना कारण रु जीएसटी आमदनी हि परलाने तार जो देय अछि ताको भारत सरकार दबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध ओडिशार एडिशनल लोन नबार कैपेसिटी को देशर कैपेसिटी को राज्य मानकर कैपेसिटी को जीएसडीपी 3% रु 3.5 को बढ़ा जाए कि ओडिशार जो भाग आसुच 2,858 कोटी टंका जार जोटा ऋण राज्य नब किंतु जार मूल आउ शुद्ध भारत सरकार परिशोध करिवो ये दायित्व ओडिशा पई निया जायछि। ओडिशा रे जो कोरोना आश्रय स्थल सेल्टर सेंटर हेतला तार जो भोजन व्यवस्था सेइतिरे एसडीआरएफ रु 2,139 कोटी टंका दायित्व निया जायछि। सहरांचल पई नॉन मिलेनियम सिटी डेवलपमेंट रे ओडिशा को 271 कोटी टंका डीएमए पांठि को सरलीकरण करिक 2,012 कोटी टंका खर्च करिवार कोरोना काम रे खर्च करिवार सुव्यवस्था करा जायछि। एनडीआर पांठि रु 179 कोटी टंका दिया जायछि। अम्फान बात्या बेले 500 कोटी टंका ए भितरे पाखापाखि 85 कोटी टंका विद्युत विभाग सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री राज्य डिस्कम मानक विभिन्न प्रकार स्कीम रे रिहाती देछि केंद्रीय देनदारी रु। जल जीवन मिशन रे एई पीरियड रे पाखापाखि 812 कोटी टंका ओडिशा को अनुदान दिया जायछि। अर्बन भेंडर मानकु सहरांचल रो ठेला वाला बुला बिकाली मानको पई 8.2 कोटी टंका रो
ପାଖାପାଖି 63,222 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ତାର ଛାଡ଼ିକି ମନରେଗାରେ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ୱେଜେସ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ତା ସେଇ କାରଣରୁ 185 ଯେତିକି ୱେଜେସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଯାଇଛି, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଯେତିକି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ। ଏଗ୍ରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ଯାହାର ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ସପ୍ଲାଇ ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଲ୍ସେସ୍ ଆଉ ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଣାଯାଇଛି। ତାର ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ପ୍ୟାକେଜରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଲୋନ୍, ଯାହାର ପରିଶୋଧ 50 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟମାନେ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା 6th Pay Commission କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, 7th Pay Commission ସେଇଟା ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ୟାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏବେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର LTC ସରେଣ୍ଡର କଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନଗଦ ପଇସା ଯିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ପଇସା ଯିବ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ PSU ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦଶହରାର ଭେଟି ଦେଲେ, ଦୀପାବଳିର ଭେଟି ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ବି ତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ PSU, ଷ୍ଟେଟ୍ PSU କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଏ LTC ସରେଣ୍ଡର ଏନ୍କ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ବଢ଼ିବ। ଏ ଯେତିକି ମୁଁ 22,267 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଲି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁ, ନଗଦର କାରବାର ବଢ଼ୁ, ଦୋକାନ ବଜାରରେ କିଣା ବିକା ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସାଇକେଲରେ ପଇସା ଆସୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟକୁ ପଇସା ଯାଉ, ଅର୍ଥନୀତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 247 ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ ବି ଭାରତ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜରେ ମୁଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନ୍ସନ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ
शिशु ऋण हिताधिकारी ताद्वारा 2% इंटरेस्ट सबवेंशन लाभ पाइले। ओडिशार 6 लाख महिला स्वयं सहायक गोष्ठी बंधक विहीन ऋण 10-20 लाख टंका पाइबार व्यवस्था भी करागला। मुझे कागज द्वितीय का आपण संगे शेयर करी आज आपण मध्यम यू तथ्य ओडिशार अर्थनीति को ओडिशार रोजगार ओडिशार राजस्व जार लाभार्थी सीधा 4.5 कोटी ओडिया लोक हेबे तांको उद्देश्य रे भारत सरकार मोदी सरकार ये बलिष्ठ पदक्षेप सब नहीं यार वार्ता लोकों पाखे पहुँचू लोकों पर उपलब्ध पैसा लोकों काम लगू ये मुझे सहायता लोड़ी। देखो मोर अनुमान ओडिशा रे सुप्रबंधन हबार आवश्यकता अच्छे पैसार उपलब्धतार अभाव नहीं जिंते जो मुझे कहली गोटे जो 12,000 कोटी टंका जो लाटेस्ट पैकेज ओडिशा सरकार मान राज्य मानक दिगला 10,000 कोटी टंकार गोटे वितरण व्यवस्था कर 2,000 कोटी टंका दबारे गुड़े सर्त रखा जाता आप फाइनेंस मिनिस्टर से प्रेस कन्फरेन्स भी देखी थे मुझे परवर्त अवस्था ओडिशा को समीक्षा करी ओडिशा से अनुसार कौन पाइला ये टंका पाइबा पाई ओडिशा सरकार मान राज्य सरकार मानक पाखे केंद्र सरकार किसी सर्त रखी थे वन नेशन वन रेशन कार्ड ये जो प्रवासी श्रमिक माने एथर हैरान हेले ताकु ध्यान रखिक भारत सरकार योजना करिसेंदी ओडिशार श्रमिक जीए गंजाम जिलारु जाइकी बॉम्बे जीव सूरत जीव चेन्नई जीव सीए सेठी भी तार रेशन कार्ड रे रेशन पाइपर तार सुधार करने भारत सरकार पैसा दे तार करने सर्त रखी थे अर्बन लोकाल बड़ी ग्राम पंचायत को अधिका क्षमता दबा विद्युत संस्कार आणवा ये सब सर्त सब रखा जाता जो सरकार सर्त गुड़ी मानुंट से सरकार को अधिका लाभ मिलूँ मुं आपम ओडिशा सरकार को अनुरोध करी जे परफॉर्मेंस बेस्ड जिते अधिका टंका खर्च करेंगे जिते भल परफॉर्मेंस करेंगे खर्च करार तार लाभ ओडिशा को अधिका मिल ओडिशा सरकार से आहरी जत्नशील हवा दरकार यहाँ मोर अनुरोध। द्वितीय कथा आप गोटे कथा उठिले यथर कोरोना बेले आउ गोटे कथा देखागला जेहेतु कोरोना गोटे स्वास्थ्य संपर्क आह्वान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना रो प्रासंगिकता ओडिशा रे एबे आहुरी प्रखर हैला पुणी आपण मानक माध्यम रे भारत सरकार तरफ ओडिशा सरकार को अनुरोध करी जे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को ओडिशा को जोड़ा जाऊ ओडिशा रो गरीब लोक मानक विशेष करके राज्य बाहर जो लक्षाधिक प्रवासी श्रमिक माने अछंती किमा ओडिशा रे प्रतिदिन आपण मानक टीवी को खोलिले को भी टीवी को खोलिले प्रतिदिन राज्यर कौनसी ना कौनसी अंचल रु गोटे खबर सामना को आसुची जे किए कौटी गोटे गुरुतर किए हार्ट किए किडनी किए कैंसर ये सब बीमारी रे पड़िकी चिकित्सा अभाव 2-5 लाख टंकार चिकित्सा अभाव मृत्युवरण करछंती ये वर्गों पर भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना करती ओडिशा सरकार या लागू करवा दरकार।